तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो पाइथन की प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है ना। जब कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है, कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, इसका मतलब कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उसके पीछे, तभी वो टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है। तो जो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोग्राम कहा जाता है। जो इंस्ट्रक्शंस की टास्क को करवाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है, और उन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET, बहुत सारे हो सकते हैं। लगभग 700 के करीब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि देश और दुनिया भर में प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, और ऐसे प्रोग्राम्स और टास्क डिजाइन किया जा रहा है। तो देश भर में, दुनिया भर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ पाइथन के ऊपर, और आगे की वीडियोस में हम पाइथन के जरिए कैसे प्रोग्रामिंग किया जाए हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, पाइथन के प्रोग्राम्स लिखें कैसे जाए। पाइथन की प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ जाना है। www.python.org वेबसाइट में जाइए, और उसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी ये दिखा रहा है। बाद में कोई और आएगा, अगर अगर बाद में कोई और सॉफ्टवेयर आएगा, कोई और वर्जन आएगा, तो वो वहाँ दिखाएगा। और आप अगर आपके सिस्टम में ये वर्जन काम नहीं कर रहा कोई सिस्टम प्रॉब्लम के वजह से, तो आप ओल्डर वर्जन अगर यूज़ करना भी चाहें तो उसके नीचे नीचे आप स्क्रॉल करके जा सकते हैं और ओल्डर वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डबल क्लिक करके उसके शॉर्टकट को ओपन कीजिए, नहीं तो सर्च करके ओपन कीजिए पाइथन को। और जैसे ही ओपन करेंगे आपको ऐसे दिखाई देगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ थ्री एरोस वाला एक सिंबल नज़र आ रहा है। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पाइथन का इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में आप पूरा प्रोग्राम नहीं लिख सकते, आप छोटे मोटे प्रोग्राम लिख के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 5 + 10 लिखा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। और दो तीन मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ जो कि इंटरैक्टिव मोड में खाली आप उसी समय के लिए देख के खाली चेक कर सकते हैं रिजल्ट को कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तब आपको स्क्रिप्ट मोड यूज़ करना होगा। ये परमानेंटली सेव नहीं होगा, ये खाली ऐसे ही है, आप स्क्रीन बंद कर देंगे, आप ये जो क्लोज बटन है उसको दबा देंगे तो ये चला जाएगा। आप इसको अगर परमानेंटली सेव करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तब आपको जाना होगा फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाके न्यू, न्यू में जाके नया इंटरफेस निकाल के यहाँ प्रोग्राम को लिख के फिर सेव ऑप्शन में जाके सेव करना होगा। सेव ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कोई एक लोकेशन में एक नाम देना होगा और वहां पे सेव करना होगा। तो ये एक तरीका है स्क्रिप्ट मोड में जिसमें कि आप प्रोग्राम को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव मोड में छोटे मोटे कोड्स आप ऐसे ही चेक करने के लिए चाहते हैं, सेव नहीं करना चाहते परमानेंटली, तब वहाँ यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड कैसे काम करता है। आगे चलते हैं, अभी चलिए बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स एक रिजर्व्ड वर्ड है जो कि पाइथन में कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स का प्रयोग तो कॉमन है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि यूज़ कैसे होने वाला है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको पहले से डिफाइन कर दिया गया होता है, उसी को कीवर्ड्स कहा जाता है। कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर प्रोग्राम में उसका यूज़ होता है। पाइथन में भी, पाइथन 3.7 में अभी तक 33 कीवर्ड्स है, जो कि हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, कुछ इस प्रकार रहे वो
कीवर्ड्स के लिस्ट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। इनका यूज आप साल भर देखते रहेंगे, जितने समय तक आप प्रोग्राम करेंगे आप तो इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे ही। अभी बात करते हैं आपके जो आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर जो है वो एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम में कोई भी जो छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वेरिएबल्स हुआ, फंक्शन का नाम हुआ या कोई अदर एंटिटी हुआ, उन सबको नाम देने के लिए यूज होता है, उनको आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर बनाने के लिए बहुत सारे रूल है, 3-4 रूल्स है, यहां देख सकते हैं मेरे पीछे। इन रूल्स को मैं खाली डिक्टेट करूं तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक एक रूल लिखूंगा और उसका यूज समझाऊंगा आपको अभी आगे आने वाले अपने नेक्स्ट सेगमेंट, हाउ टू क्रिएट आइडेंटिफायर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, पहला रूल ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर्स ये कुछ इस प्रकार है, द नेम शुड बिगिन विथ एन अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन, दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और 0 to 9 और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, दस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। तो इसको हम अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा, जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो मैं अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर रखना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिखूँगा 1 जून को मेरे पास कितने स्टूडेंट आए, मेरे पास आए मान लो 30 स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में, 2 जून को आए 35 स्टूडेंट्स। ओके, तो एवरेज स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं एक ब्रैकेट दूंगा, उसके बाद ऐसे लिखूंगा 1 जून प्लस 2 जून होल डिवाइडेड बाय 2 और इसको प्रिंट कर दूंगा, एवरेज स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी इसको रन करते हैं। अभी जब रन किया देखिए आप यहाँ पे ही एरर आ गया, पहले ही लाइन में इनवैलिड सिंटैक्स बोल के बोल रहा है, क्योंकि यहाँ आप पढ़ सकते हैं रूल में लिखा है द नेम शुड ओनली बिगिन विथ ए अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन। तो यहाँ हमने क्या किया है, इन तीनों के अलावा ना अपर केस अल्फाबेट है, ना ये लोअर केस अल्फाबेट है, ना ये अंडरस्कोर साइन है, हमने यहाँ डिजिट 1 यूज़ किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे, मैं इसको 1 जून की जगह June 1 कर सकता हूँ, इसको 2 जून की जगह मैं इसको June 2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी कर देंगे June 1, इसको भी कर देंगे June 2, ठीक है। अभी इसको प्ले करते हैं, देखिए ये एरर को मैंने ठीक किया, अभी दूसरा एरर आ रहा है जो कि है एवरेज स्टूडेंट के ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आफ्टर बिगिनिंग विद द अल्फाबेट और अंडरस्कोर कैरेक्टर आप उसको फॉलो क्या करेंगे, दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, आइदर अल्फाबेट जो कि कैपिटल अल्फाबेट है कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल अल्फाबेट है स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर कैरेक्टर, इनके अलावा और कुछ नहीं दे सकते, इनके अलावा आप और कुछ नहीं दे सकते अपने इसमें। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक स्पेस कैरेक्टर दे दिया, एवरेज स्पेस स्टूडेंट बोल के लिख दिया है, तो इस स्पेस को हटाने के लिए मैं यहाँ अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है यहाँ भी अंडरस्कोर दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखा है एवरेज स्टूडेंट्स का, यहाँ वो स्पेलिंग नहीं है, तो इसीलिए एरर आ रहा है, मैं वही करेक्ट कर रहा हूँ अभी। अब देखिए अभी सही आ जाएगा, देखा आपने। तो इस हिसाब से जो छोटी मोटी एरर्स आप कर सकते हैं, मैंने उन सब को करके आपको दिखा दिया कि कहाँ एरर हो सकता है रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर में। सेकेंड रूल के ऊपर चलते हैं, अभी आप देख सकते हैं सेकेंड रूल यहाँ लिखा है, दिस कैन बी ऑफ एनी लेंथ, हाउएवर इट इज़ प्रेफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल,
जैसे मैंने यहाँ ऊपर भी आइडेंटिफायर यूज़ किया है, जून वन, जून टू, एवरेज स्टूडेंट्स, ऐसे ही थोड़ा मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के रखिए, ज़्यादा बड़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। आइडेंटिफायर जो कि शॉर्ट एंड मीनिंगफुल रहे तो अच्छा ही रहेगा। तीसरे रूल के ऊपर चलते हैं। अभी तीसरा रूल आप देख सकते हैं जो कि ये लिखा है, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड और ए रिजर्व वर्ड। अगर मैं ऐसे लिखूँ फॉर इज इक्वल टू टू, आप देख सकते हैं ये कलर जो बदल जा रहा है पर्पल कलर में, जो दिखा रहा है कि हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली देखिए आइडेंटिफाई यहाँ मैं ऊपर यूज़ किया था, ब्लैक कलर का ही दिख रहा था। जो ये इंटरप्रिटर है आपका, ये आपको दिखा देता है कि आपने कीवर्ड यूज़ किया है। अगर कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसको रन करेंगे, मैं प्रिंट करूँगा फॉर, तो यहाँ पे एरर दिखाएगा क्योंकि हमने कीवर्ड यूज़ किया है। आप अगर उसी से मिलता जुलता नाम यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, फोर वन ऐसे लिख दीजिए, तब ये सही हो जाएगा। देख पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज तो करना होगा। बिल्कुल वही कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते जो आपके पाइथन के कीवर्ड लिस्ट में मौजूद है। नेक्स्ट रूल नंबर फोर देखते हैं। अभी रूल नंबर फोर ये कहता है कि वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट ऑफ, हैशटैग, डॉलर साइन और मॉडुलर डिवीजन। ये सब जो है आइडेंटिफायर नहीं बन सकते। इस तरह का हमने आपको एग्जांपल पहले ही दिखा दिया था जो कि हमने इससे पहले यूज़ किया था। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं जब इसको रन करूँगा, आप देखिएगा ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने हाइफ़ेन यूज़ किया है। हाइफ़ेन की जगह नहीं है क्योंकि ये स्पेशल सिंबल्स में जाता है, तो आप इसको अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइफ़ेन या कोई स्पेस कैरेक्टर कभी कभी आप दे देते हैं, उसकी जगह आप अंडरस्कोर साइंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी मैं वही चेंजेस करूँगा। देखिए मैंने अभी चेंज कर दिया। अभी देखिए पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये एग्जांपल्स जो मैंने चारों रूल्स के बारे में बताया है अच्छे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स जहाँ की बच्चे गलतियाँ करते हैं और उसको सही कैसे करें। जैसे कि ये पहला इनवैलिड आइडेंटिफायर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वन लिखा है, जिसमें कि आपने देखा कि सब्जेक्ट स्पेस वन, स्पेस कैरेक्टर अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर में चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर हम कुछ और नहीं दे सकते स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर की नेम्स में। तो यहाँ पे देखिए उसको हमने ठीक करने के लिए स्पेस कैरेक्टर हटा दिया। दूसरे एग्जांपल में देखें अगर, जो इनवैलिड है, एरिया हाइफन रेक्टेंगल, आर ई सी टी मतलब रेक्टेंगल, तो उसको हम सही करें कैसे ना, ये हाइफन भी गलत हो गया, तो उसकी जगह हम यहाँ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए वैलिड उसको बनाने के लिए। उसके बाद जो यहाँ 12th परसेंटेज लिखा है, उसकी जगह हम परसेंट 12 कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट से हम शुरू नहीं कर सकते किसी आइडेंटिफायर को। यहाँ 1, 2 मतलब वो डिजिट से शुरू हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम थोड़ा बहुत चेंजेस ऐसे कर सकते हैं। और नीचे देखिए लेन अंडरस्कोर ठीक है, मगर सी डॉट एम डॉट, यहाँ दो डॉट्स हमने यूज़ कर लिए जिनको कि हटाना पड़ेगा अगर सही करना है हमें। और सैल एट द रेट ऑफ जैन, मतलब जनवरी का सैलरी को अगर इंडिकेट करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं कभी कभी, मगर वैसा नहीं लिख सकते हम, एट द रेट ऑफ साइन अलाउड नहीं है, जिसकी जगह हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स जो कि आपको हो सकता है मदद करें अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए। तो आगे देखते हैं अभी वेरिएबल्स के ऊपर। अभी बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है ना, वेरिएबल्स जो है कोई भी एक वैल्यू जो है हम प्रोग्राम में यूज करते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है वेरिएबल। वेरिएबल जो है एक वैल्यू को पॉइंट करता है जो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। इट इज यूज टू पॉइंट द वैल्यूज एग्जिस्टिंग इन आवर मेमोरी, जो कि कभी भी इंटीजर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है, मतलब नाम हो सकता है कोई, नहीं तो
अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, नाम और कुछ डिजिट्स, कुछ कैरेक्टर्स और कुछ डिजिट्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स कैसे कैसे बन सकते हैं और वो क्या क्या वैल्यूज स्टोर करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अगर अभी वेरिएबल्स की एग्जांपल देखने अगर चले तो यहाँ देखिए आप, हम कुछ लिखने जा रहे हैं अभी। जैसे कि हमने लिखा नेम इज इक्वल टू, मैंने अपना नाम लिखा रजत, उसके बाद पिन कोड यहाँ लिखा 751020 और फिर लिखा मैंने एड्रेस। BBSR_20 नहीं तो हाइफ़न भी दे सकते हैं 20, ठीक है, BBSR20 ऐसे लिखा। यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये जो नेम इज इक्वल टू लिखा, नहीं तो पिन इज इक्वल टू लिखा, जो नहीं तो एड्रेस इज इक्वल टू लिखा, ये सब जो है क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डाटा जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में है, जैसे BBSR20 हुआ, नहीं तो ये पिन कोड हुआ, नहीं तो ये मेरा नाम हुआ, तो उसको वो पॉइंट आउट करते हैं, वो एक लोकेशन में मेमोरी में स्टोर होता है। ये जो डाटा है, मेरा नाम हुआ या पिन कोड हुआ या जो एड्रेस हुआ, वो मेमोरी में एक लोकेशन में स्टोर होता है और उसको वो पॉइंट आउट करता है। और अगर हम प्रिंट में किसी वेरिएबल का नाम लिखें, जैसे कि नेम का लिखा मैंने, तो ये आप देख सकते हैं उसको प्रिंट कर लिया, क्योंकि नेम ने मेरा नाम को पॉइंट आउट किया था। अगर मैं प्रिंट में पिन बोल के लिखूं तो पिन भी प्रिंट हो जाएगा, आप देखिए, क्योंकि वो उस वैल्यू को मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट ए वेरिएबल इज, इट पॉइंट्स द वैल्यू प्रेजेंट इन आवर प्रोग्राम इन ए लोकेशन इन द मेमोरी, एंड जब उसको हम यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, और वो उस जिस डाटा को स्टोर किया है उसको प्रिंट कर लेगा। अभी आखिर में चलिए देखते हैं कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स जैसे कि यहाँ 3-4 पॉइंट्स हमने लिखा है, दिज आर यूज टू एड ए रिमार्क और ए नोट इन द सोर्स कोड, दिज आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाई द इंटरप्रिटर, दिज आर एडेड, दे आर एडेड विद द पर्पोज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, लोगों को ईजी होता है समझने में कॉमेंट्स पढ़ के। और कमेंट शुरू कैसे होता है ना, एक हैश टैग से, जो कि उसके बाद जो भी आता है उसको कंप्यूटर हमारा जो पाइथन का इंटरप्रिटर जो है इग्नोर कर लेता है, उसको प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कमेंट्स क्या है। कमेंट्स को समझाने के लिए हम एक सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी में, उसके बाद आपको कमेंट्स ऐड करके सिखाएंगे कि क्या होता है कमेंट्स। तो जैसे कि देखा आपने, मैंने फटाफट एक प्रोग्राम लिख लिया। अभी इस प्रोग्राम को हो सकता है देखने में सबको इजी लगे, समझ में आ जाए, मगर मैं उसको और थोड़ा बेहतर बनाऊं जब मैं उसके अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड करूं। सबसे ऊपर में मैं लिखना चाहूँगा ये प्रोग्राम किस लिए हमने लिखा है, तो एक कॉमेंट लाइन में ऐड करना चाहूँगा फाइंडिंग एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये रहा एक कमेंट लाइन। दूसरा लाइन हम ये जो पहला लिखे हैं लेंथ इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसे कमेंट लिख सकता हूँ, जैसे कि असाइंस 10 एज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा जो है ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मैं और एक कमेंट जोड़ सकता हूँ असाइंस 5 एज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और यहाँ पे जैसे आपको पता है हम एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम एक कमेंट दे सकते हैं कि कंप्यूट्स
एरिया, कंप्यूट्स एरिया, एंड फाइनली ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपको सबको पता है, ये प्रिंट्स एरिया। अब देखिए इतना लिखने के बाद ये क्या करता है ना, प्रोग्राम किसी को भी पढ़ के समझना इतना मुश्किल नहीं होगा कि पाइथन में प्रोग्राम ये क्या कर रहा है। मैंने क्योंकि हर लाइन में राइट साइड में एक एक कॉमेंट लाइन जोड़ दिया जिससे कि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है प्रोग्राम की। तो हम इसको अगर रन भी करते हैं, आप देखिएगा ये जो कमेंट लाइन्स है ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होते। हैशटैग के बाद में जो भी लिखता हूँ वो कमेंट में गिना जाता है और प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट बोल के नहीं गिना जाता, इसलिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिखाया और मेरा प्रोग्राम सही आउटपुट दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जैसे मेरे हर वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन क्विज रहता है, इस वीडियो में भी है एक ऑनलाइन क्विज, आप उसको अपीयर करना मत भूलिए और अपने आप को जज कीजिए आपने क्या क्या सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए और आगे आने वाले मेरे वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स जो यूज़ होता है हमारी प्रोग्राम में वो सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।